रुपए का कॉइन। देखा, मेरी नजर कितनी तेज है, आज मेरा लकी डे है। मैं जाऊँ आपके साथ। हाँ, ये सिक्का हमारा है। तेरा है? इस पर तेरा नाम तो नहीं लिखा। नाम तो आपका भी लिखा नहीं है। ये भी ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में है। अरे आपके हाथ में, इसका मतलब आपका हो गया। और क्या, देखिए ये सिक्का हमारा है, अभी अभी हमारे हाथ से गिरा है। तू झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहे हम बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये सिक्का हमारा है। इसका सबूत? सबूत? सबूत यही है साहब कि हम किसान के बेटे, इस धरती माँ की कसम खा के कहते हैं कि ये सिक्का। ले भाई, तेरा ही है, तेरा ही है। लेकिन ये एक बात बता, तू किसान का बेटा होकर यहाँ शहर में सिक्के को इकट्ठे कर रहा है? नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं हम। किसान होकर नौकरी करेगा तू? मजबूरी है साहब, पिछले 2-3 साल से गांव में इतना सूखा पड़ा है कि एक भी दाने की उपज नहीं हुई। फिर तो आपको आपकी बहन की शादी भी करानी होगी। तुझे कैसे मालूम? ऐसे स्टोरी में ऐसे ही होता है। Listen, this is not a story, this is a fact. You know English? Yes. ग्रेजुएट है हम साहब, साहूकार से पैसे ले लेकर हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया। अभी अगर साहूकार के पैसे हम वापस ना करें ना, तो साहूकार जमीन पर कब्जा कर लेगा। हमने सोचा हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, नौकरी करेंगे, 4 पैसा कमाएंगे, पिताजी को देंगे, तो पिताजी का बोझ थोड़ा कम कर पाएंगे, इसलिए आ गए हम शहर। पर साहब, इस शहर के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। इतना घूमने के बाद भी नौकरी नहीं मिली हमें। गाँव से हर लड़का यही सपने लेकर शहर में आता है, लेकिन हकीकत यह है कि सपने देखने तो दूर, शहर में सोने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए पुत्र, तू वापस गांव ही चला जा। वापस? साहब क्या मुंह लेकर चले जाएंगे हम वापस? और सच बात तो यह कि जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं हमारे पास। पैसे नहीं है ना, तो मैं देता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया, हम किसान हैं साहब, हम मेहनत मजदूरी करेंगे, 4 पैसे कमा लेंगे, पर ये भीख नहीं लेंगे कभी। शुक्रिया। हाय रब्बा, 18 रुपए किलो गेहूँ? हाँ जी बीजी, और चावल बताएं कितने? 30 रुपए किलो। मैं मर जावा, बंदा कमाए की तो खाए की। और बच्चों के टिफिन तो देखिए बीजी, कितना खाना छोड़ देते हैं, सब जाया हो जाता है। इन बच्चों को ना, आई टेल यू बीजी, किसी भी चीज की कदर ही नहीं है। मेरी भी नहीं। तुसी कोई चीज हो, तुसी पापा जी हो सबके। स्वाद तेरे। हर गल्लू मजाक विद बदल दे दे। अच्छा, तू सीरियस कल कर रही है? हाँ जी। देख किरण बाला, बच्चों के सामने मुझे डांटना नहीं, बाकी जो मर्जी कह ले। नहीं जी नहीं, मैं तो कहनी हूँ बच्चे तुम्हारी गल मन दे, तुसी बच्चे नु समझाओ कि आज पैसे की कीमत की है। यू मीन वैल्यू ऑफ मनी? इस टॉपिक पर मैं 3 पेज का भाषण दे चुका हूँ। मेरे भाषण पर तालियां तो नहीं बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को मेरी माड़ी माड़ी गल समझ आ गई है। क्या कहा आपने उनसे पापा जी? पुत्र, आज सवेरे भारत का एक नौजवान मिला था जो 1 रुपए के लिए मरने मारने पर उतर आया। निक्कू अरिया को ये बात बड़ी अजीब लगी, कहने लगे 1 रुपया क्या है, हम तो परवाह नहीं करते ऐसे कॉइन्स की, हमारे बैग में तो ना जाने कितने पड़े रहते हैं। जब मैं घर आकर उनके बैग चेक किए तो सचमुच रिया के बैग से निकले 15 और निकू के बैग से निकले 12, मतलब 27 रुपए। हाँ, जो एक मजदूर को दिन भर की मजदूरी के बाद मिलते हैं। ये बात मैंने समझाई बच्चों को, बहुत कुछ बोला मैं, तुम तो जानते हो ऐसा मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। फाइनली बच्चों को मेरी बात समझ में आई और कहने लगे हम अपनी जेब खर्च के पैसों का रोज हिसाब आपको देंगे। बहू, तू कितने पैसे देती है उन्हें स्कूल के लिए? ओनली 10 रुपीज पापा जी। मेरी फ्रेंड तो 25 रुपीज ले आती है रोज। हैं? इतने पैसों का क्या करती है वो? कैंटीन में खाती है और कोल्ड ड्रिंक पीती है। लेकिन मैं तो तुम्हें रोज लंच ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक का टिफिन देती हूँ ना। हाँ, वो तो सबकी मम्मी रहती है। तो फिर किस वास्ते चाहिए पैसे? वी आर ग्रोइंग चिल्ड्रन बीजी, हम लोगों को कितनी भूख लगती है मालूम है? मालूम है मालूम है, तभी तो इतना खाना रोज बजा के लाते हो। तुझे कुछ नहीं मालूम फुप्पी, टिफिन का खाना कितना बोरिंग होता है, मुझे तो कैंटीन का खाना अच्छा लगता है और कोल्ड ड्रिंक भी। रिया, पहले आज के 10-10 रुपए का हिसाब दो। अगर हिसाब करने जाओ तो पापा जी आपको मुझे 5 रुपीज देने पड़ेंगे जो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया। देखिए देखिए कैसे ये करते हैं पापा जी, कहने को तो मैं इन्हें 10 रुपए देती हूँ, लेकिन वैसे देखा जाए तो आराम से 15-20 रुपए हो जाते हैं। फिर आप हमें पहले से 20-20 रुपीज दे दिया करो ना, जैसे दूसरे बच्चे लाते हैं। ओनली 20 ओनली 20 20 इनटू 30 कितने हुए? 600
600 महीने के 600 तेरे 600 निकू के कुल मिलाकर हो गए 1200। बस बस 1200 कितने होते हैं मालूम है? कैसे कमाए जाते हैं? मैनू की पता। बीड़ा गर्क, यही तो जड़ है पूरे फसाद की। तुम लोगों को मालूम ही नहीं मेहनत मजूरी क्या होती है, कैसे कमाए जाते हैं पैसे। चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए तुम दोनों, जो जी चाहा मिल गया, पैसे की कदर ही नहीं। पैसों की कदर मींस? आपने जो सिखाना था सिखा चुके, देख लिता नतीजा, हिसाब मांगने दा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बीजी कि मुफ्त में खिलाएगा कोई मोल नहीं और आप पका के खाएगा कोई तोल नहीं। चुप ना फूफी, पापा जी को और कंफ्यूज मत कर। नहीं वे, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे मालूम है मैंने क्या करना है। क्या करना है? आज से तुम दोनों को जितने पैसे चाहिए तुम्हें खुद कमाने होंगे। इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है पापा जी, इसी तरह तो ये दोनों समझेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। होर नहीं तो की, वो एक रुपया जिसके इनके पास कोई कीमत ही नहीं है, अब उसे पाने के लिए इन दोनों को अपने अपने कपड़े अब इस्त्री करने पड़ेंगे। ठीक है, एक कपड़ा इस्त्री करने का मिलेगा 1 रुपया, अगर 20 रुपया चाहिए तो 20 कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे। और आज से निकू बिटुआ, फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के खाली नहीं छोड़ सकते, बोतल वापस भर के रखनी पड़ेगी। उस काम के लिए इसे 1 रुपया मिलेगा। इसका मतलब हर काम का 1 रुपया? हाँ, लेकिन मेरे जूते पॉलिश करने के 2 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मेरे पांव बड़े हैं ना। पौधों को पानी डालना, डस्टिंग करना और खाना लगाना, सबका 1-1 रुपया। अपने चीजें संभाल के रखना, मेहमानों को नमस्ते करना, उन्हें पानी पिलाना, 1-1 रुपया। अपना बिस्तर खुद लगाना, मोजे धोने में डालना, 1-1 रुपया। भाई वाह, इतने मौके मिल रहे हैं तुम दोनों को पैसे कमाने के, इस तरह तो तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। बोलो कब करनी है कमाई शुरू? तो फिर नहीं मिलेंगे पैसे? नहीं देने पैसे तो मत दो, हम लोग को चाहिए भी नहीं। बात तो सुनो, सुनो सुनो, सुनते ही नहीं, बिल्कुल बाप पर गए हैं, काम चोर। मेरे पुत्र नु काम चोर नहीं को, उसकी कमाई से ही तो कार चलता है। हर किसी को काम करना चाहिए बीजी, काम से ही तो इंसान की इज्जत होती है। और काम से ही तो मिलता है पैसा। मम्मी, ऐसे कोई रोता हुआ तेरा बच्चा तेरे पास आए तो पिघला नहीं तो तेरी कुल्फी जमा दूंगा। पक्का रखना, एक भी पैसा मत देना। भूखा रहने के बाद ही पता चलता है कि भूख की चीज होंदी है। हाँ। है? तू तो एकदम खलनायिका बन गई, घर रखेगी बच्चों को। ओ नहीं जी नहीं, ये तो एक कहावत है, जब जो चीज नहीं मिलती है ना तो उसकी कदर होंदी है, आसानी से मिल जाए तो कदर ही नहीं होंदी। बच्चे लोग आज गोला नहीं खाओगे? आज हमें नहीं खाना, आज हमारा व्रत है। गोलगप्पे खाओगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? हाय हाय बीबी जी, एक तो खाने दो बेचारों को। मार खाएगी, ला मुझे दे। पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी हमारी, और बिकॉज़ ऑफ़ देयर पापा जी, पता नहीं अजीब अजीब रूल्स निकालते रहते हैं। इस सच अ बिग टाइम पास, अगर हमें टाइम पास ही करना था तो कुछ और क्यों नहीं सोचते, हमारे लाइफ से क्यों खेल रहे हैं? तो कैसे चलेगा जब तक हम लोग पैसा नहीं कमाते? यू मीन काम? इतने छोटे छोटे बच्चों से क्या कोई काम करवाता है? अरे आज अकेले ही आ गया तू? हाँ, माँ बीमार है। तो उसने तुझे भेज दिया सब्जी बेचने के लिए, इतनी कड़क धूप में इतनी भारी टोकरी लेकर? हाँ, सब्जी नहीं बेचूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर भी इतनी सी उम्र में इतना काम करेगा? काम नहीं करूँगा तो फिर खाऊंगा क्या? और फिर माँ के दवा के लिए पैसे, मम्मी के दूध के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर आज मुझे स्टेशन पे जाके जूते भी पॉलिश करने पड़ेंगे, कम से कम 20-25 रुपए तो आ ही जाएंगे। गरीब तो बचपन में ही सीख लेता है, जिंदा रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ, 10 रुपए हुए। हाँ। अच्छा, मैं कल फिर आऊंगा। Thank you.
शाबाश। थैंक यू। मैंने भी अपने कपड़े धोने में डाल दिए। अच्छा, थक तो नहीं गया तू? नहीं नहीं, हम दोनों वाह। मुबारक हो बहू। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं पापा जी? आज तेरे बच्चों की पहली कमाई है। मेरे पुत्र ने तो अपनी पहली कमाई मेरे हाथ में रखी थी। क्या? और उससे ज्यादा पैसे मुझसे लेकर इसने मोहल्ले में मिठाई बांट दी थी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि ये खुशी तो बच्चे ही देते हैं माँ बाप को। क्यों नहीं? कल सवेरे ही बैंक जाके ढेर सारे पैर पैके सिक्के ले आऊंगा। बड़े अच्छे लोग हैं, काम बहुत जल्दी करते हैं। नमस्ते पापा जी। हाय, मेरे पास चोर 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 मेरे पैसे ले गया वो 10,000 से। 10,000? इन चोरों को तो सारी खबर रहती है। एक हाथ मर के रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। पुलिस भी इनका कुछ नहीं करती। रुक ना, मुझे काम तो करने दे। कितनी बार काम करेगी? ऐसा ही होता है, अपनी कमाई के पैसों को बार बार गिनने को मन करता है। हाँ, शायद गिनते गिनते एक आध रुपया बढ़ जाए। ये बढ़ता ही नहीं है पीजी, सिर्फ 99 रुपीज। एक महीने में तुम लोगों ने 100-100 रुपए इकट्ठा कर लिया। 100 पापा जी, 99, 1 रुपी शॉर्ट। कौन पता चला रुपए की कीमत? 1 रुपया नहीं हो तो 100 पूरे नहीं होंगे। और जो बात 100 में है वो 99 में कहाँ। इसलिए मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया देता हूँ अपनी तरफ से बोनस। थैंक यू पापा जी। अब मैं गिनूं? अब बताओ इतने सारे पैसों का करोगे क्या? क्यों करेंगे, मैं सोचता हूँ पापा जी को देंगे। नहीं, कोई बात नहीं। कुछ भी करना नीकू बाबा और रिया बेबी, लेकिन जमा किए हुए पैसे खर्च नहीं करना। तो फिर क्या फायदा इतना मुश्किल से जमा करने का? अभी तो कह रही है मुश्किल से जमा किए ना, इसलिए खर्च नहीं करना। हाँ, क्योंकि खर्च करना तो बहुत आसान है। इसीलिए खर्च करने को अपना बर्थ राइट समझती हैं औरतें, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी खचरी होती हैं, चालाक, बचत करना भी खूब जानती हैं। हाँ पापा जी, गांव में तो हर स्त्री का घर एक बैंक होता है। और शहर में तो गली गली में बैंक खुले हुए हैं, और उन बैंकों में बच्चों की बचत के लिए बनी हुई है योजनाएं। आज 100 रुपया डालो तो 20 साल के बाद 3200 पाओ, 3200, और आज 1000 डालो तो 20 साल के बाद 1000 पाओ। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो क्या करते? डेफिनेटली बैंक में डालते। अब तुम्हारे पास 100 है, इतने मैं दूंगा तो कितने हुए? 200। हाँ, हम सब बड़ों का फर्ज है कि बच्चों को इसी तरह एनकरेज करें, और इस घर में तो तुमसे सब बड़े हैं। आई होप सब बड़े समझ गए होंगे मेरी हिंट को। पापा जी, आप हिंट नहीं दे रहे हैं, आप तो डायरेक्टली कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 200 और इनके डैडी की तरफ से 200 दे दूंगी। फिलहाल तो आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगी। अच्छा, अब बीजी की बारी। हाँ तो कर दो अपनी जेब तो, मेरे भी। तेरे भी? हाँ? बेड़ा गर्क। फूफी कहाँ चलेगी पैसों का नाम सुनते ही? पापा जी, हम तो हमने जमा किए हुए पैसे लाने गए थे। पूरे 42,000 जमा किए हमने और राजू ने हमारे हार के लिए। कहना क्या चाहती है तू? हाय हाय, आप ही तो कह रहे थे कि जितने पैसे जमा किए हैं उतने ही आप। हाँ हाँ, दूंगा दूंगा। जब तेरी बातों से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तब दूंगा। अब मेरे पास वक्त नहीं है, बच्चों को बैंक ले जाना है। किसान का वो बेटा जो कल तक भीख लेने के लिए तैयार नहीं था, आज चोरी करने पर उतर आया। आप अगर हमारे जगह होते तो आप क्या करते? आपका ये पोता क्या करता? मुझे बहुत सारे काम आते हैं, आयनिंग, वाटर फिलिंग, शू पॉलिशिंग। बेटे, भूखे पेट सोना आता है? ओए, मेरे पोते के बारे में अनाप शनाप मत बोल। ये भी तो किसी का पोता है किरण, किसी का भाई, किसी का बेटा। उन सबके सुख के लिए यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, और नौकरी हमें आज तक नहीं मिली। इसलिए तो जुर्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। हम मुड़े नहीं, आपके समाज ने जबरदस्ती धकेल दिया इस जुर्म की दुनिया में हमें। जिस सड़क पर हम 1-1 रुपए के सिक्के ढूंढते फिरते थे ना, उसी सड़क पर हमें नोट नजर आने लगे,
हम सीख गए थे कि जो ना मिले उसे छीन लो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। लगता है तुझे पैसों से कुछ ज्यादा ही मोह हो गया है। हाँ वो है, तभी तो साहूकार से हमारी जमीन वापस ले पाएंगे ना, हमारी बहन की शादी अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या तू घर वालों को बता देगा कि ये पैसे कहां से लाया है? नहीं बता पाएगा ना कि तू कितना गिर गया है। मैं चाहता तो तुझे पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन जेल जाने से तेरी समस्या हल नहीं होती, क्योंकि 2-4 साल सजा काटने के बाद तू खो बैठता अपने आप को और मैं खो बैठता अपना एक भाई। ये आपके भाई हैं पापा जी? हाँ पुत्र, हम दोनों की माँ जो एक है, भारत माता। लेकिन आज हमारी माँ पर भारी संकट है, क्योंकि उसके बेटे एक दूसरे को मार रहे हैं। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पास बड़ी कार हो, बड़ा बंगला हो, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई आसान तरीका अपनाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या होगा। चोरी, डकैती, हत्या, देशद्रोह, जुर्म तो बढ़ता ही जाएगा, और अपने ही बनाए हुए जुर्म के पहाड़ के नीचे एक दिन वो दबकर मर जाएगा। पुत्र, अब तक तो तेरे तन मन पर सिर्फ जुर्म की धूल पड़ी है, इससे पहले कि ये धूल पहाड़ बनकर तुझे कुचल डाले, अपने आप को संभाल ले, संभाल ले पुत्र, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और जो सजा मिलती है चुपचाप भुगत ले और गांव चला जा। पुत्र, क्यों गांव छोड़ छोड़ कर माँ को अनाथ मत कर। जितनी भारत माता शहरों में बसती है उससे कहीं ज्यादा गांव में बसती है। किसानों का देश है ये, चोरों का नहीं। तू अपने अंदर के किसान को मरने मत दे। बिल्कुल सही कहा आपने, हम भटक गए थे पापा जी पैसे की लालच में, पर पापा जी आज आपने हमें बिल्कुल सही राह बताई है। पापा जी हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आपने हमें कहा है, और फिर चले जाएंगे गांव। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी उधर, जी उधर। सभी इसी तरह सुधर जाएं तो फिर क्या बात है। लेकिन पापा जी ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हर घर में आप जैसे पापा जी हो। तेरा मतलब है अब मैं घर घर भटकता फिरूं? हाँ जी, फर्क सिर्फ इतना ही होना है कि पहले तुसे चिट्ठियां देन देसी, हुन दोगे पैगाम। ये जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।